सेटसियल हिंदी हाई स्कूल की ओर से मैं डॉक्टर सुनील सिंह इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा आप सभी को मालूम होगा कि इस समय पूरा विश्व कोरोना के वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में हम सभी का विद्यालय परिसर में उपस्थित होकर अध्ययन अध्यापन करना संभव नहीं है। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे विद्यालय के आचार्य श्री के कुशल निर्देशन में इस डिजिटल ऐप के तहत हम सभी शिक्षक मित्र आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। बच्चों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह आपको गणित के बारे में प्राइमरी स्टेज में समझाना चाहूंगा कि 12वीं गणित में पेपर का पैटर्न किस तरह से होता है और हर चैप्टर के वेटेज कितने कितने होते हैं। तो सबसे पहले 12वीं गणित का जो पेपर स्टाइल है वह दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी के रूप में। पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक यह पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में रहेगा, और पार्ट बी जो कि पूरी तरह से सब्जेक्टिव है, 3 सेक्शन में डिवाइड किए गए। सेक्शन ए जो कि प्रश्न नंबर 1 से 8 तक रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। इस तरह सेक्शन ए का कुल वेटेज 16 मार्क का होगा। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू होकर 14 तक, अर्थात इसमें कुल 6 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। इस तरह से सेक्शन बी का कुल वेटेज 18 अंक होगा। और अंत में सेक्शन सी प्रश्न संख्या 15 से शुरू होकर 18 तक होगा और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे और सेक्शन सी का कुल वेटेज 16 मार्क्स का होगा। बच्चों, अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ने अपने पाठ्यक्रम को 30% तक की कटौती की है। इसका मतलब उन्होंने चैप्टर को नहीं काटा है, चैप्टर के अंतर्गत सब पार्ट्स जो हैं उसमें कटौती की गई है। अभी गुजरात सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो इसलिए अभी तक के लिए इसी पैटर्न पर आपको परीक्षा देनी है। अभी तक की कोई कटौती नहीं है। अगर कोई आगे हमको अपडेट मिलते हैं तो मैं आप तक जरूर शेयर करूंगा। बच्चों, अब बात आती है कि चैप्टर वाइज जो है ये हर चैप्टर कितने कितने अंक के हैं उसके बारे में। सबसे पहले जो 13 चैप्टरों से मिल करके 12वीं का कोर्स बना हुआ है उसमें सबसे पहले पहला चैप्टर आता है संबंध एवं फलन, जिस जो कि 6 मार्क्स के होंगे। इसी क्रम में दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, 6 अंक के। आप्यूह 7 अंक के। सारणिक 7 अंक के। सातत तथा अवकलनीयता 8 मार्क्स के। अवकलज के अनुप्रयोग 8 अंक के। और
समाकलन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है, 14 अंक के समाकलनों के अनुप्रयोग 7 अंक के, अवकल समीकरण 7 अंक के, सदिश बीजगणित 8 अंक के, त्रिविमीय ज्यामिति 8 अंक के, रैखिक प्रोग्रामन 6 अंक के, तथा अंत में प्रायिकता या संभावना या प्रोबेबिलिटी ये 8 अंक के। इस तरह के 100 मार्क्स के ये प्रश्नपत्र कंप्लीट हुआ। अब आपको सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसके लिए आपको सबसे पहले 11th के सेट थ्योरी के बारे में जानना पड़ेगा और इसका हम इंट्रोडक्शन तथा अगले एपिसोड में शुरू करेंगे। तब तक हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि यदि बहुत ज़्यादा आवश्यकता न हो तो आप अपने घरों से बाहर न निकलें, और यदि जरूरत पड़ती है तो पूरी तरह से मास्क लगा के सैनिटाइजर का प्रयोग करके ही निकलें। स्टे होम स्टे सेफ का पूरी तरह पालन करें। हम आपको अगले एपिसोड में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन आपको हैव ए नाइस डे। थैंक यू।